आप देखते हैं किस तरह से ये काम करता है। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हो, ये मेरा 775 वाला जो मोटर है वो है। इसका मैंने वायरिंग किया है, रंग से इसका जो दो तार है वो मैंने निकाल लिया है। अब दो तार कहीं पर भी लगा सकते हो, जब उल्टा घूमेगा तो उलट के आपको लगाना होगा। और ये रहा इसका पंखा, और मैं जिसमें सेट करना चाहता हूँ तो ये एक थर्मोकॉल का शीट है। तो जब मैं यहाँ पर सेट करता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हो, मैं पंखे को पहले खोल देता हूँ। तो यहाँ पर देखो ये अभी ढीला है, ठीक है, अभी क्या है ढीला है। तो थोड़ा सा हम बाहर की तरफ रखेंगे इसकी मुंह को, और इसके बाद ये थर्मोकॉल का टुकड़ा मैं इसमें दे दूंगा तो ये फिर से टाइट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये टाइट हो गया, ठीक है। अब ये टाइट होने के बाद ये यहाँ से हिलेगा भी नहीं, ठीक है। और इसको थोड़ा और टाइट कर देते हैं। तो और टाइट करने के लिए मैं इस तरह का एक टुकड़ा ले रहा हूँ थर्मोकॉल का ही। तो इसको इस तरह से तो अब ये मोटर बाहर की तरफ नहीं निकलेगा, ठीक है। और आप चाहो तो इसके पीछे एक छेद कर सकते हो, जिससे आपका जो यहाँ पर जो वायर है ये बाहर की तरफ निकल जाए। तो मैं एक छोटा सा छेद कर देता हूँ। तो दोस्तों इसे यहाँ लगाने से पहले तो कुछ सेटिंग मैंने किया है। ये देखो ये पूरा उठ जाता है, तो ये यहाँ पर मैं इस तरह से इसको लगा देता हूँ तो थोड़ा सा टाइट हो जाता है। इसके बाद मैं यहाँ से ये इसके अंदर डाल देता हूँ। तो ये और थोड़ा सा टाइट हो गया। उसके बाद यहाँ से देखो ये और थोड़ा सा मजबूत हो गया, अब ये हिलेगा नहीं, ठीक है। मैं इसका मोटर को यहाँ पर सेट कर देता हूँ। तो ये इसका मोटर यहाँ पर सेट हो चुका है, आप देख सकते हो। यहाँ पर आपको थोड़ा सा मैं ट्रांसफार्मर का कनेक्शन समझा देता हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हो एसी पॉइंट करके एक चीज़ लिखा हुआ है। यहाँ से दो जो पॉइंट निकला है, ये वाला और ये वाला, ये एसी का पॉइंट है। मतलब यहाँ पर मैं 12012 का ट्रांसफार्मर लिया हूँ, आप 012 का भी ले सकते हो। तो एक जो बीच वाला होगा ग्राउंड वाला, और एक
आउटपुट वाला आपको लेना होगा। ब्लू कलर का जो होता है ग्राउंड वाला होता है, और ये रेड कलर का जो है आपका वोल्टेज वाला। तो ये दोनों जो आपका ब्रिज रेक्टिफायर का एसी पॉइंट है उसमें जाएगा। ये एक ब्रिज रेक्टिफायर ही है, इसका नंबर है 808। और यहाँ से जो प्लस वाला आइकॉन है, जो सिंबल है, यहाँ से इसका पॉजिटिव निकलेगा जो कैपेसिटर के साथ कनेक्ट है, और नेगेटिव नेगेटिव के साथ कनेक्ट है। यहाँ पर जो दोस्तों कैपेसिटर है वो आपको मैं दिखा देना चाहता हूँ। यहाँ पर जो कैपेसिटर है 25 वोल्ट 4700 UF का है, ठीक है। और यहाँ पर जो इंडिकेटर मैंने लगाया है इसके साथ एक 1K रजिस्टर कनेक्ट है, और इंडिकेटर इस तरह से कनेक्ट किया गया है। और इसको आप बैटरी से भी चला सकते हो, इस तरह का जो 12 वोल्ट का बैटरी है उससे भी। तो इस तरह का कनेक्शन मैंने किया है। और अब देखो इसका जो ट्रांसफार्मर का जो वायर है, ट्रांसफार्मर का जो वायर है दोस्तों वो सीधा यहाँ से निकलता है, और इस तरह से ये प्लग के साथ कनेक्ट हो जाता है। तो इसे आप डायरेक्ट करंट के साथ भी चला सकते हो, ठीक है। और ये जो तार है ये सीधा गया है यहाँ पर, मोटर के साथ कनेक्ट है। आप देखते हैं किस तरह से ये काम करता है। इसका आवाज़ आप सुन सकते हो, ठीक है। तो देख सकते हो मैं इसे डायरेक्ट करंट से चला रहा हूँ। तो यहाँ पर जो है मेरा इंडिकेटर चल रहा है, जो इंडिकेट कर रहा है ब्लू कलर, और जो कलरिंग आ रहा है वो इंडिकेटर की वजह से आ रहा है। एक बार मैं लाइट ऑफ करके आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो इस तरह से आप देख सकते हो ये डायरेक्ट करंट से मैं इसको चला रहा हूँ, और यहाँ पर कितना हवा है आप समझ सकते हो। तो मेरे पास दोस्तों ये गमछा था आपको हवा बताने के लिए, ठीक है। तो मैं इस गमछे को यहाँ पर दे रहा हूँ, तो आप देख सकते हो कितना ज़्यादा हवा दे रहा है। तो दोस्तों मुझे खेद है कि मैं इस वीडियो में इस चीज़ के बारे में आपको ज़्यादा डिटेल में नहीं दिखा पाया, जैसे कि आपको समर एक्सपेरिमेंट और मिस्टर धारोनिया के चैनल पे दिखाया जाता है, क्योंकि मेरे पास अभी उतना सेटअप है नहीं। मेरे पास एक कैमरा होता है मैक्सिमम, तो मेरे पास एक कैमरा भी नहीं है। मैं फिर से फ़ोन कैमरा से ये सब रिकॉर्ड करता हूँ, और उनके पास टेक्निकल सपोर्ट के लिए और भी कोई कुछ लोग रहता है, मेरे पास कोई लोग नहीं है, मैं अकेला ही ये काम करता हूँ। तो इसी वजह से मैं उतना डिटेल में आपको नहीं दिखा पाया, उसके लिए बहुत बहुत सॉरी। अगर आप मुझे इस तरह से सपोर्ट करते हो तो एक दिन मैं उनसे भी बढ़िया कंटेंट मैं आपको बना के दिखाऊंगा, ये मेरा वादा है आपसे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक।